गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 129. हमने अभी तक क्या कर लिया है? हमने अभी तक सेक्शन कवर किए हैं. कौन से सेक्शन? सेक्शन 129 तक हमने क्या किया है? कवर अप कर लिया है, इजंट इट? यस, हमने कवर किया. अब हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है और आते हैं हम हमारे सेक्शन नंबर, कौन से सेक्शन नंबर 130 पे, जो क्या है कॉन्फिस्केशन के बारे में, जो किसके बारे में है, जो है कॉन्फिस्केशन के बारे में. सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग अगर 14 डेज के अंदर टैक्स प्लस पेनाल्टी पे नहीं की जाती, टैक्स एंड पेनाल्टी इज नॉट पेड विद इन द 14 डेज, तब आते हैं कॉन्फिस्केशन के प्रोविजंस. तब क्या आते हैं? कॉन्फिस्केशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. तो यहाँ देखो, यहाँ बोला है कॉन्फिस्केशन कब होगा? कॉन्फिस्केशन होगा अगर सप्लाई रिसीव गुड्स, अगर आप सप्लाई करते हैं या फिर रिसीव करते हैं गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट. आप एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं एंड कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं अगर आप प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो कॉन्ट्रावेंशन के कारण क्या हो रहा है? कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं अगर आप प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो कॉन्फिस्केशन हो सकता है आपके गुड्स का. कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या कि सपोज कीजिए आपने सप्लाई किया बट इनवॉइस क्या नहीं किया, इशू नहीं किया. सप्लाई किया बट क्या नहीं इशू किया, आपने इनवॉइस इशू नहीं किया. तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हैं, इनवॉइस अगर इशू नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू दी प्रोविजन ऑफ एक्ट होगा. यस. फिर आगे आता है क्या? गुड्स लाइबल फॉर टैक्स नॉट अकाउंटेड फॉर. गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए बट आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है, लिखा ही नहीं है. गुड्स खरीद के आते हैं विदाउट इनवॉइस, या फिर गुड्स खरीद के आए उन्हें बेचा तो आपने क्या नहीं किया, इनवॉइस नहीं बनाया. आप अकाउंट फॉर नहीं कर रहे वो गुड्स जिन पे क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, उन्हें आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते ही नहीं हैं. या फिर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जिन पे टैक्स लगना चाहिए. यू आर सेलिंग द गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन. यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं क्या? नहीं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे. जस्ट अ मिनट, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं, गुड्स ऐसे गुड्स दे रहे हैं जिन पे क्या नहीं लगता, जिन पे क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए. ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हमें दिया है कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. आप एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, कोई भी प्रोविजन हो सकता है एक्ट का, आप एक्ट के प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको टैक्स का इवेजन करना है. ड्यू टू इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन के कारण आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रावेन करते हैं प्रोविजन ऑफ एक्ट. ठीक है, तो या तो आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ एक्ट को कॉन्ट्रावेन करते हुए, या फिर आप ऐसे गुड्स को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे जिसमें टैक्स लगता है, या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन यू सप्लाई द गुड्स दैट इज लाइबल टू टैक्स. विदाउट रजिस्ट्रेशन वॉट? विदाउट रजिस्ट्रेशन यू सप्लाई द गुड्स दैट आर वॉट लाइबल टू टैक्स. कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन, किसी भी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को आप क्या करते हो, कॉन्ट्रावेन करते हो, या फिर आप यूज कर रहे हो ऐसे कन्वेंसेस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट. यहाँ पे देखो क्या है, यूज कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट. देखो इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ईजी सिंपल सी चीज़ दी गई है. वो सिंपल सी चीज़ क्या है? वो ये है कि ये देखो, वहां पे ये क्या बोला कि अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारी खुद की, ये हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अर व्हीकल, हमारा खुद का व्हीकल है. कौन सा था हमारा खुद का व्हीकल? हमारा खुद का व्हीकल ये. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला गया, इसके अंदर है क्या, इस व्हीकल के अंदर है हमारे गुड्स, इस व्हीकल के अंदर क्या है हमारे गुड्स है, ठीक है, इस व्हीकल के अंदर भरे हैं क्या हमारे गुड्स। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि आप इस व्हीकल को क्या कर रहे हो, ये जो व्हीकल है इसे आप यूज़ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन ये जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस ट्रांसपोर्टेशन इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आप क्या बता रहे हो कि ये गुड्स क्या है, एग्जेम्प्ट, ये गुड्स क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, बट एक्चुअल में इन पे आपको टैक्स पे करना चाहिए था, या फिर ई वे बिल आपको जनरेट करना चाहिए था, आपने नहीं जनरेट किया, मतलब कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, आप एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट करते हुए क्या कर रहे हैं, एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करते हुए, ये एग्जेम्प्ट है, आप टैक्सेबल एग्जेम्प्ट नहीं है, आप टैक्सेबल उसको क्या दिखा रहे हैं, एग्जेम्प्टेड दिखा रहे हैं, तो मतलब किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, अगर आप प्रोविजन ऑफ द एक्ट में आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये जो गुड्स हैं इन्हें भी और इस व्हीकल को भी क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब तक कि ये प्रूफ ना कर दे इसका ओनर, जब तक कि इसका ओनर प्रूफ ना कर दे कि इसके नॉलेज में नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जब तक ओनर प्रूफ ना कर दे दैट ही वॉज नॉट हैविंग द नॉलेज कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यूज़ कर रहे हैं कन्विंस, यहाँ पे व्हीकल यूज़ हो रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इन कंट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब जब तक पर्सन इन चार्ज या फिर ओनर प्रूव नहीं करता कि उसे इस बात का नॉलेज नहीं था, तब तक ये गुड्स क्या होंगे, कॉन्फिस्केट किए जाएंगे। तो पहली सिचुएशन क्या थी कॉन्फिस्केशन की, कन्फिस्केशन की पहली सिचुएशन थी आप सप्लाई या रिसीव करते हैं गुड्स इन कंट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। सेकेंड क्या था, गुड्स आर लाइबल फॉर टैक्स नॉट अकाउंटेड फॉर, गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए था, गुड्स पे क्या लगना चाहिए था, टैक्स लगना चाहिए था, गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए था लेकिन टैक्स नहीं लगाया, गुड्स ऐसे गुड्स सॉरी जिन पे टैक्स लगना चाहिए थे लेकिन उनको अकाउंट फॉर नहीं किया, या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, या फिर क्या हो गया, विदाउट रजिस्ट्रेशन गुड्स को क्या किया जा रहा है, ऐसे गुड्स जिन पे टैक्स लगना चाहिए उन्हें सप्लाई किया जा रहा है, या फिर कंट्रावेंट कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू अवेड द टैक्स, टैक्स इवेजन के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ द एक्ट कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं, या फिर फिफ्थ क्या है, कन्विंस को यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, और जब तक यहाँ पे पर्सन इन चार्ज या फिर ओनर प्रूफ नहीं करता कि उसे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तब तक गुड्स कॉन्फिस्केटेड रहेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फिस्केशन तो हो गया, जब्ती हो चुकी है, लेकिन एक ऑप्शन दिया जाता है ओनर को कि वो चाहे तो फाइन पे कर सकता है कॉन्फिस्केशन की जगह, और फाइन कितना होगा वो डिसाइड करेगा कौन, ऑफिसर। क्या हुआ, ये गुड्स क्या हो गए हमारे, या फिर कोई भी चार पांच सिचुएशन जो दी थी उसमें क्या हो गया, हमारे गुड्स हो गए कॉन्फिस्केट, क्या हो गए हमारे गुड्स वहां पे कॉन्फिस्केट हो गए, एम आई राइट, यस, हमारे गुड्स हो गए कॉन्फिस्केट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ठीक है आपके गुड्स क्या हो चुके हैं, कॉन्फिस्केट हो चुके हैं, ठीक है ये गुड्स हो गए क्या, गुड्स व्हीकल जो भी है ये कॉन्फिस्केट हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो कौन है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा कौन जो डिपार्टमेंट है, ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, ये क्या कहता है, हमारा ये डिपार्टमेंट ऑप्शन दे रहा है किसको, हमारा ये कौन है, ये है डिपार्टमेंट, हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये ऑप्शन देता है एसएससी को कि देखो हमने तुम्हारे गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिस्केट तो कर लिए लेकिन आप क्या करो, इस कॉन्फिस्केशन की जगह पे द फाइन, आप क्या पे कर सकते हैं, फाइन पे कर सकते हैं, मतलब कॉन्फिस्केशन के ल्यू में आप फाइन पे कर दो, और ये फाइन डिसाइड भी कौन करेगा, ये ऑफिसर डिसाइड करेगा, ये फाइन डिसाइड करने वाला कौन है, हमारा ये ऑफिसर है। अब फाइन कितना होगा वो देखना, तो फाइन के लिए क्या कहा है, मिनिमम फाइन कितना होगा, मिनिमम फाइन है
फाइन एंड पेनल्टी किससे कम नहीं हो सकती जितना 129 का पेनल्टी है ना, सेक्शन 129 में जितनी पेनल्टी लगाई है एटलीस्ट उतनी तो हमें यहाँ पे आपसे उतना तो फाइन लेना ही होगा, क्योंकि आपने 129 क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तभी तो कहीं ना कहीं आप पे 130 लगा है, और जब 130 एप्लीकेबल हुआ है तो एटलीस्ट जितना 129 का फाइन है आप उतना तो पे करो। तो फाइन एंड पेनल्टी आप कितनी पे करो, एटलीस्ट जितनी सेक्शन नंबर 129 में लिखी है, जितनी सेक्शन 129 में लिखी है एटलीस्ट उतनी फाइन पेनल्टी आप क्या कर दो, पे कर दो, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी पे करनी है, मैक्सिमम ऐसा ना हो कि ये ऑफिसर जो है हमारा, ये जो ऑफिसर बैठा है ठीक है, इसके ऊपर दिया है कि ही विल डिसाइड द फाइन, बट ये क्या करेगा, मिनिमम तो उतनी लेगा जितनी 129 में है, मिनिमम बार उसका उतना है, और मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम उसकी होगी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है उन गुड्स की, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वो फाइन नहीं ले सकता। ये क्या नहीं कर सकता, जितना मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा फाइन वो चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन एंड पेनल्टी नॉट मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइन एंड पेनल्टी इज नॉट मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, और उसमें से आपको टैक्स क्या करना है, माइनस करना है, उसमें से आपको टैक्स क्या करना है, माइनस करना है। तो इतनी हो सकती है, बार दिया है मैक्सिमम और मिनिमम का बार दिया है, इतनी एटलीस्ट, इससे कम मत रखना, इससे ज़्यादा मत रखना फाइन, ये ऑफिसर को बार दे दिया। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद कहा गया, आगे देखते हैं क्या कहा गया, कि प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि दैट्स कॉन्फिस्केटेड गुड्स, क्या सेटिस्फाइड है दैट कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्विंस आर नॉट नीडेड इन एनी प्रोसीडिंग, ही मे आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे द फाइन रिलीज गुड्स और कन्विंस। अगर प्रॉपर ऑफिसर, हमारे ये जो प्रॉपर ऑफिसर हैं, ये हमारा प्रॉपर ऑफिसर है, इसे लगता है कि ये जो कन्विंस है या फिर ये जो गुड्स हैं ये अभी किसी प्रोसीडिंग में नहीं चाहिए, तो ये एसएससी को क्या देगा, 3 months का टाइम देगा कि आप 3 months में क्या कीजिए, 3 months में सारा फाइन पेनल्टी पे कर दो, तो वो क्या कर देगा, इन गुड्स को रिलीज कर देगा, he will release the goods or convince as the case may be। तो एटलीस्ट वो 3 महीने का टाइम दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 3 months का टाइम दे, वो कम भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन केस, बट 3 months से ज़्यादा टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, 3 months से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये हो गया हमारा सेक्शन 130, इसमें यहाँ क्या लिखा है, गुड्स और कन्विंस लाइबल टू कॉन्फिस्केशन एंड सेक्शन 122 पेनल्टी आल्सो अप्लाई। अगर क्या है, गुड्स और कन्विंस आपके अगर कॉन्फिस्केट हुए हैं तब भी सेक्शन 122 की पेनल्टी भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, मतलब 122 की पेनल्टी तो लगेगी, साथ में सेक्शन 130 का फाइन भी लगेगा। 130 लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 122 में जो पेनल्टी दी है वो नहीं लगेगी, वो भी एप्लीकेबल होगी, वो भी क्या होगी यहाँ पे, एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो आई होप आपको आया समझ में, अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल 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 क्या करना, पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अभी ये हमारा कवर हुआ सेक्शन 130, अभी क्या कवर हुआ हमारा सेक्शन 130, आगे बढ़ें। सेक्शन 132 हम किस पे आ गए, सेक्शन नंबर 132 पे। सेक्शन नंबर 132 बोलता है अभी कुछ और सर्टेन केसेस हैं, अभी क्या है, कुछ और केसेस हैं जहाँ पे क्या लग सकती है, पनिशमेंट लगेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अब आपको क्या लगेगी, पनिशमेंट भी होगी, यहाँ पे क्या होगी, अब पनिशमेंट होगी।
तो पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम उस वे में देख रहे थे कि सिर्फ पेनल्टी लगती है, पर अब सेक्शन 132 कहता है कि 132 के केस में अब पनिशमेंट भी है, अब क्या है, पनिशमेंट भी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 122 एंड 132 को क्या किया है, कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि देखो जो चीज़ें 132 में दिए 122 में दिए कुछ हद तक तो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं 122 भी रिवाइज हो जाएगा, एम आई राइट? और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन सी 122 सेक्शन के केसेस हैं जो यहाँ पे 132 में कवर है फॉर पनिशमेंट, ठीक है? तो उसी पर्पज से मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर की हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सेक्शन 122 में, अगर आप सप्लाई करते हैं, लेकिन इनकरेक्ट इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस या नो इनवॉइस, अगर सप्लाई कर रहे हैं, इनकरेक्ट इनवॉइस है, फॉल्स इनवॉइस है या फिर नो इनवॉइस है, तो सेक्शन 122। लेकिन जब 132 में आओगे, अगर आपने सप्लाई विदाउट इनवॉइस किया है तो पनिशमेंट है, लेकिन अगर फॉल्स इनवॉइस या इनकरेक्ट इनवॉइस है तो पनिशमेंट नहीं है। मतलब एक वर्ड का डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 122 इन तीनों केसेस में आएगा, इनकरेक्ट, फॉल्स या नो इनवॉइस। बट इफ वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट 132, इट इज इशू डूइंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस। अगर विदाउट इनवॉइस सप्लाई तो पनिशमेंट है, लेकिन इनकरेक्ट या फॉल्स है तो पनिशमेंट नहीं है, ठीक है? फिर इशू ऑफ इनवॉइस विथ नो सप्लाई, इशू ऑफ इनवॉइस विथ वॉट, नो सप्लाई, अगर कोई सप्लाई नहीं है और आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ भी कवर है। आप रॉन्गली ITC अवेल या क्लेम करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है। आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन जैसे ही ड्यू हुआ 3 मंथ्स के अंदर आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते, वही चीज़ यहाँ है। आप यहाँ पे टैक्स का इवेजन करते हैं, रिफंड फ्रॉडलेंटली एरोनियस रिफंड है, यहाँ पे क्या है, एरोनियस क्या है, रिफंड है आपका, पर यहाँ फ्रॉडलेंट रिफंड है तो पनिशमेंट होगी, पर गलती से रिफंड ले लिया है तो कोई पनिशमेंट नहीं है। तो यहाँ वर्ड देखो, यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दो। यहाँ पे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉल्सिफाई सब्सटीट्यूट किए, सेम चीज़ यहाँ पे है। आप ऑफिसर को प्रिवेंट कर रहे हो उसकी ड्यूटी करने से, उसके लिए पनिशमेंट है। आप सर्विस को कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग रिसीव या सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वही चीज़ है। या फिर आप मटेरियल एविडेंसेस को टेम्पर या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वही चीज़ है। फिर यहाँ भी है, अगर आप इस तरह से किसी भी गुड्स में डीलिंग करते हैं दैट आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, किसी भी तरह से आप गुड्स में ऐसे डील कर रहे हैं, ऐसे गुड्स जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, उसके लिए पेनल्टी है और साथ में पनिशमेंट भी है अंडर सेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे आप 132। सप्लाई फेल्स टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, या फिर ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन मांगी तो आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब भी पनिशमेंट है। या फिर आप किसी पर्सन को ये 1 से लेकर 11 जितने भी ऑफेंसेस दिए, उसमें हेल्प करते हैं या प्रोवोक करते हैं पर्सन को कि भैया तुम्हें ये काम करना है, करो करो, तब भी पनिशमेंट है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार तो आपको क्या कर चुकी हूँ, ये समझा चुकी हूँ, सारे रीड करवाए हैं, लर्न करवाए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको क्या करना होगा, अपने दिमाग में रखने होंगे ये 11 पॉइंट्स जो सेक्शन 132 और 122 में कॉमन है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ है वो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू। अब यहाँ बोलता है कि देखो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट तो 6 मंथ है, अगर कोई रीज़न प्रॉपर हम जजमेंट में नहीं लिख पाते, प्रॉपर रीज़न नहीं है तो भी क्या होगा, 6 मंथ। कोई प्रॉपर रीज़न का मतलब, अब यहाँ तो लिस्टेड है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है यार, लिस्टेड है, पर कोई और ऐसा तरीका हो गया, कोई और रीज़न आ गया इनके अलावा, तो मिनिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट तो होगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन दिख रही है क्या आपको, ये इंक्लूसिव चीज़ें नहीं है। अब इसके अलावा कुछ और आ जाता है तो वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 6 मंथ का तो इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा। कितना होगा, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन अगर जैसे टैक्स इवेजन किया, ITC रॉन्गली अवेल किया, यूटिलाइज किया, या फिर रिफंड रॉन्गली लिया है, गलत तरीके से रिफंड लिया है, तो अगर ये रिफंड जो गलत तरह से लिया या टैक्स इवेजन हुआ या ITC रॉन्गली अवेल यूटिलाइज हुआ, अगर ये मोर देन 5 करोड़ है, इफ़ इट इज़ वॉट, इफ़ इट इज़ मोर देन 5 करोड़, तो 5 ईयर प्लस फाइन। 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 3 ईयर्स प्लस फाइन।
1 करोड़ तक से ऊपर है, लेकिन 2 करोड़ तक है, तो 1 ईयर प्लस फाइन। तो यहाँ पे वही चीज दी है, क्या क्या बोला है देखो, अगर क्या है, जस्ट अ मिनट, ठीक है चलो। तो यहां पे क्या दिया है हमें अभी कि अगर सबसे पहली चीज हमें क्या दी है, फर्स्ट चीज क्या दी है हमें कि अगर फाइव करोड़, अगर अबाउ 5 करोड़ जाओगे तो 5 ईयर प्लस क्या होगा, फाइन आएगा। आप 5 करोड़ तक हैं लेकिन अबाउ 2 करोड़ हैं तो कितना होगा, 3 ईयर्स प्लस फाइन। आप अबाउ 1 करोड़ हैं बट अप टू 2 करोड़ हैं तो कितना है, इट इज 1 ईयर प्लस फाइन। इट इज व्हाट, 1 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, तो टैक्स इवेजन हो रहा है या फिर रॉन्गली अवेल किया, यूटिलाइज किया। फिर इसके बाद आता है अगर आप हेल्प कर रहे हैं किसी को, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं या फिर 6, 7, 9 वाले जो ये जो यहाँ पे दिया है, 6 मतलब फॉल्सिफाई करना या सब्स्टिट्यूट करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिस्चार्ज करना ड्यूटी, किसी को ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोक रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं मटेरियल एविडेंसेस को, आप मटेरियल एविडेंसेस को चेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस केस में सीधे 6 मंथ और फाइन और बोथ हो सकता है। और जब भी आप ये चीज़ रिपीट करेंगे, सेक्शन 132 के कोई भी ऑफेंसेस रिपीट हो गए अगर आपसे, तो विदाउट लिमिट 5 ईयर्स प्लस फाइन आपको क्या करना होगा, पनिशमेंट मिलेगी। 5 ईयर्स प्लस फाइन की क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, कवर किया सेक्शन 132। 132 के इस बारे में है कि कहाँ कहाँ पे पनिशमेंट होगी, तो उसके लिए ये आपको कुछ 12 पॉइंट्स दिए हैं, कुछ ये पॉइंट्स 122 एंड इसमें कॉमन है। यहाँ पे फिर आपको बताया कि मिनिमम 6 मंथ की तो इम्प्रिजनमेंट है, पर यहाँ पे कुछ कैटेगरी दे दी आपको, जिसके बेसिस पे आपको क्या डिसाइड पता चलेगा कि कितने साल की पेनल्टी आपको पनिशमेंट हो सकती है विथ फाइन। जहाँ एंड लिखा है वह एंड याद रखना, एंड फाइन है, और जहाँ और लिखा है वो ध्यान में रखना ज़रूर। जहाँ सीरियस क्राइम हो जाता है वह एंड आ जाता है, जहाँ पे आपने हेल्प वगैरह की तो वहाँ और बोथ डिपेंडिंग ऑन द केस होगा। ठीक है चलो, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 132। इसके बाद हमारा बचता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड हमारा सेक्शन नंबर 133 एंड 136, 137, 138। हाँ, ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सा हमारा बचा है। देखो, हम ये वाला चार्ट अभी आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक पार्ट और बना लेंगे जिसमें फाइनली आपका ऑफेंस एंड पेनल्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो देखो, कॉग्निजिबल मतलब सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस हो गए। कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस आपके सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस हैं, जिन अगर आपने वो किया तो विदाउट अरेस्ट वारंट आपको क्या कर लेंगे, लेके चले जाएंगे, आपकी विदाउट परमिशन, किसी कमिश्नर से कोई परमिशन नहीं ली जाएगी और आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस वो लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाला वो ऑफिसर होगा जिसे अथॉरिटी मिली है। अगर वो ऑथराइज्ड है सिर्फ तभी वो क्या करेगा, बिना अगर अथॉरिटी है तभी वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। अब ये जो मैं बोल रही हूँ कॉग्निजिबल ऑफेंस है, मतलब बहुत सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस है, तो ये कब होगा, अगर आपका टैक्स इवेजन या एरोनियस रिफंड इज मोर देन 5 करोड़। 5 करोड़ क्रॉस करते से ही सीरियस होने की कैटेगरी में आ जाते हैं आप, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इनके लिए बेल नहीं होगी, सीरियस कैटेगरी है। विदाउट अरेस्ट वारंट आप अरेस्ट हो गए, आपको बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाला ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा।
अब वो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के केसेस क्या हैं कि आप सप्लाई विदाउट इनवॉइस कर रहे हैं या विद इनवॉइस दे के विदाउट सप्लाई नहीं करते, या तो सप्लाई कर रहे हो और इनवॉइस नहीं है, और अगर इनवॉइस है तो सप्लाई नहीं है, या फिर आप क्या करते हैं ITC, आप ITC ले रहे हैं विद दिस इनवॉइस, ये जो इनवॉइसेज हैं आपने इशू करे, आपने इनवॉइस ये क्या है, ये इनवॉइस इशू कर दिया पर सप्लाई नहीं किया, इनवॉइस इशू किया पर सप्लाई नहीं किया, और इस इनवॉइस को यूज़ करके आप ITC क्लेम कर रहे हो, दैट इज़ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। आप टैक्स कलेक्ट करते हैं लेकिन पे नहीं करते गवर्नमेंट को 3 मंथ्स के अंदर, दैट इज़ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, मतलब ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कर दिए, मतलब क्या कर दिया आपने, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस करे हैं। फिर अगर हम नॉन कॉग्निजिबल को देखें तो ये लेस सीरियस है, आप अरेस्ट होंगे विद अरेस्ट वारंट ओनली, और यहाँ पे 5 करोड़ से लेस है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजिबल की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 133 किसके बारे में है कि लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर एंड सर्टेन अदर पर्सन एंगेज इन, ऑफिसर और कुछ पर्सन्स की लाइबिलिटी बता रहा है, अगर उन्हें क्या करना है स्टेटिस्टिक्स कलेक्शन करते हैं, कोई पर्सन है उसे क्या बोला कि बताओ कि डिमोनेटाइजेशन है, कलेक्ट करो कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम 2 लाख कितने लोगों ने जमा किया, उसे सिर्फ क्या है स्टेटिस्टिक कलेक्ट करना है और उसके हिसाब से रिटर्न भरने, या फिर टैक्स ऑफिसर है जो जिसको पता है क्या सेक्शन 150 जो हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या है मैक्सिमम 5,000 तक की पेनल्टी जा सकती है, अगर वो उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई पर्सन है जो कॉमन पोर्टल पे काम करता है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है कॉमन पोर्टल की, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में कॉमन पोर्टल एक्सेस करने वाला कौन है, ये पर्सन है, कॉमन पोर्टल एक्सेस करने वाला ये पर्सन है, अगर ये पर्सन क्या करता है किसी और पर्सन को ये कॉमन पोर्टल यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी और पर्सन को रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ अदर पर्सन या कुछ भी, और ये इन्फॉर्मेशन देना इसकी ड्यूटी नहीं है, इसे कोई ड्यूटी बाउंड नहीं था कि उसे ये इन्फॉर्मेशन देनी, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन का केस नहीं था कि उसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है किसी और को, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको पैसा मिल रहा है इसलिए उसने किसी और को क्या कर दी इन्फॉर्मेशन सेल कर दी, या फिर कॉमन पोर्टल का एजेंट ये काम करता है विलिंगफुली डिस्क्लोज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या कंटेंट ऑफ रिटर्न, कोई ड्यूटी नहीं है उनकी, ऐसा करना उनकी ड्यूटी है क्या, नहीं है, ना ही प्रोसिक्यूशन का रीज़न है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा करता है तो गवर्नमेंट की परमिशन से उसको प्रोसिक्यूशन होगा, और अगर अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा करता है तो कमिश्नर की परमिशन से उसे क्या करा जाएगा, प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस लगाए जाएंगे, और इम्प्रिजनमेंट कहाँ तक जा सकती है, 6 मंथ तक, फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी, 6 मंथ और फाइन और बोथ, तो यहाँ पे फाइन में एक्सटेंड टू 25,000, फाइन कितना 25,000 तक एक्सटेंड कर सकता है, फाइन कितना एक्सटेंड कर सकता है, फाइन में एक्सटेंड टू 25,000। तो दिस वॉज सेक्शन नंबर 133, कुछ नहीं समझ में आया तो बकायदा पूछना, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो एक बार आंख बंद करके रिवाइज करना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टी के लिए जिसमें मैंने डिटेल में इन चीज़ों को समझाया है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं, अब एक पार्ट और बचा है आपका ऑफेंस एंड पेनल्टी का, और आपका ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर बिल्कुल 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 फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे हमारा अपील्स एंड रिविजन का चैप्टर, और अपील्स एंड रिविजन के बाद डेली आपको रिविजन लेक्चर प्रोवाइड होंगे, रिविजन लेक्चर बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके, इसलिए क्योंकि बाकी के चैप्टर्स के ऑलरेडी मेरे डिटेल लेक्चर आपको CA फाइनल नाम की प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट है, CA फाइनल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसमें सारे GST के मेरे वीडियोस हैं, और एक प्लेलिस्ट मेरी है GST मई 2020 की जिसमें मैंने ये जो नए वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं ये हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको ये वाले वीडियोस भी मिलेंगे, मतलब ये एक ओवरऑल प्लेलिस्ट है, और इसमें आपको सिर्फ मई 2020 के वीडियोस अलग से मिल जाएंगे।
तो इसका मतलब ये कि अपील्स एंड रिविजन जैसे ही ख़त्म होता है, वैसे मेरा अपील्स एंड रिविजन का भी क्या है, ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, पूरे रिकॉर्डेड है, तो हम अपील एंड रिविजन से ही हमारी रिविजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो सी ए फाइनल की जो प्ले लिस्ट है आप उसको रेफ़र करो, और रिविज़न देखना चाहते हो तो जी एस टी, वो तो आपको इस ये वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें सब कुछ मिलेगा। तो कल से हमारा ऑफेंस, जैसे ही ऑफेंस पेनल्टी ख़त्म होने के बाद आपके रिविज़न स्टार्ट हो जाएंगे, और रिविज़न ख़त्म करने में मुझे सिर्फ 7 डेज लगेंगे, ओनली 7 डेज फॉर द रिविज़न, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपका 7 डेज में जीएसटी विद रिविज़न मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एएमए एंड डीटी। डीटी एंड एएमए हमें स्टार्ट करना होगा, तो जितना हो सके डाउट पूछो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।